आज हम बात करते हैं महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेंशन ही नहीं है। जैसे कि अगर आप कहीं देखते हैं, लाइक एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए, फैकल्टी देख लीजिए, फैकल्टी में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं दे रखा। जैसे अगर हम कॉमर्स मैनेजमेंट के ऊपर देखते हैं तो वी विल नॉट गेट एनीथिंग। अब हम कोर्सेज पे आ गए हैं, अब हमें देखना है इनका बीबीए में कौन है, क्या है इनका फैकल्टी। तो यहाँ पे फैकल्टी के नाम पे ज़ीरो, ठीक है, बस इनका वो फॉर्म पे फिर मैसेज वगैरह और कुछ ये चीज़ें हैं, बाकी और कुछ ढंग का है नहीं, ठीक है। और मतलब एक तरह की फेक वेबसाइट जैसी साउंड करती है जब ऐसा देखते हैं। नोटिफिकेशन हमेशा 44 ही रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। करियर वेब देखेंगे तो वे पुरानी निकली हुई है, बट द मेन थिंग इज ये यूनिवर्सिटी कई बार फेक डिग्री मिलने के, लाइक रिसेंटली अगर हम देखें फेक डिग्री इनकी पाई गई थी, ठीक है, और जिसका एडवर्टाइजमेंट आया था ये रहा। वीडियो की एडवर्टाइजमेंट जिस हम देख सकते हैं, हिमालय गढ़वाल वीवी की फर्जी मार्कशीट सूचना आयोग ने पकड़ी और वीवी की भूमिका संदेह में थी, ठीक है। साथ ही इनका एक प्लेसमेंट सेंटर था जयश्री अल्मोड़ा में, तो वहां पे भी फर्जी डिग्री पाई गई, जैसे कि हम देख सकते हैं दैनिक जागरण के न्यूज में। और ये न्यूज पब्लिश हुई है 18 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और इनका एक लेटर भी था ये रहा, जो ये हिमालगढ़ वाली यूनिवर्सिटी देती है 21/8/18 को, जिसका रेफरेंस नंबर है ये, ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेंटर, ऑथराइज्ड एकेडमिक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पार्टनर, ठीक है, वही फर्जी डिग्री दे रहा है, वो भी इसी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। फिर अगर हम इनकी थोड़ी सी और न्यूज देखें तो हम देखते हैं 1.1 का है, ये भी देख लेते हैं, वैसे बात नहीं है। एक हिमालयन डिस्कवर करके एक न्यूज पब्लिश है, मतलब एक पेज पे, उसको देखते हैं हम कि यहाँ पर फर्जी डिग्री दी जा रही है। 5,299 बच्चों को इन्होंने एनरोल होने का आरटी में जवाब दिया था, ठीक है, वो भी जब उसकी सेकंड अपील दायर हो गई थी उत्तराखंड कमीशन में। 5,299 बच्चे सही में बहुत बड़ा नंबर है, अगर इतने बच्चे इतने एक रिमोट एरिया में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अभी तक मार्केट डेवलप हो जानी चाहिए थी। अरे आई डोंट थिंक सो कि ऐसी मार्केट वहाँ पे डेवलप हुई है, ठीक है, या फिर इतना बच्चा वहाँ पे है। हाँ मतलब मैं मानता हूँ, जैसे मेरी सूत्र है कुछ पता लगा उसके अंदर बैचलर ऑफ फार्मेसी अंदर 20-30 बच्चे पढ़ते हैं अभी हाल फिलहाल में, हॉस्टल में रहते हैं, छोटा सा हॉस्टल है, छोटा सा मतलब ठीक ठाक कैंपस है। तो 5,299 का हमें नहीं पता, ठीक है। और फिर हम देखते हैं अभी जो अखबार में जो न्यूज़ आई हुई थी उसके ऊपर, ये अखबार में जो न्यूज़ आई थी इसमें ये था कि श्री देवेंद्र कुमार जो थे, जो कि प्रधानाचार्य हैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, उन्होंने पहले एक पत्र लिखा ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि उनके पास एक प्रवक्ता की जॉब के लिए किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया, उन्होंने डिग्री इन्होंने इस डिग्री को वेरीफाई करने के लिए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, उन्होंने पत्र लिखा था महाराजा अग्रसेन हिमालयन यूनिवर्सिटी को। तो उस पत्र के उसमें जवाब नहीं आया, जब उसमें जवाब नहीं आया तो उन्होंने आरटीए लगाई,
आरटीए में भी जवाब नहीं आया। 1 महीने बाद उन्होंने फर्स्ट अपील लगाई, उसमें भी यूनिवर्सिटी ने मौन फा दिया। उसके पश्चात उन्होंने क्या कहते हैं उत्तराखंड कमीशन के अंदर, इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जाकर अपील करी। अपील में यूनिवर्सिटी के अधिकारी आते हैं बिना किसी कागज पत्र के, जैसा कि ऑर्डर में मेंशन है, ठीक है। और वह आगे डायरेक्टली कहते हैं कि हाँ जी ये डिग्री फेक हमने इशू नहीं करी और हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो ये बात हमें दर्शाती है कि फिर यूनिवर्सिटी को जब ये बात पता ही थी, ठीक है, तो उन्हें मौन क्यों फादा, क्या आवश्यकता थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी मानव भारती यूनिवर्सिटी की तरह ही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा हमें कैसे पता। ठीक है, इन्होंने एक डिग्री के ऊपर वो सब नहीं दिया, कोई बात नहीं, मतलब रिप्लाई नहीं दिया। 2020-21 में यूजीसी और नेड ने डायरेक्शन दी थी कि सभी यूनिवर्सिटीज एनरोल हो जाएं और रजिस्टर हो जाएं डीजी लॉकर और नेड पे। नेट का कुछ ना पता हो तो वो था नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जिस पे मतलब आपके सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएं, ताकि ऑनलाइन वेरीफाई कर सकें या फिर ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट को आवश्यकता है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकें, जो कि एक ऑथेंटिक चीज़ है। इससे फर्जी डिग्रियों की कहीं ना कहीं रुकेंगी चीज़ें। तो आज 10/3/2024 है, पर हमारी महाराजा अग्रसेन हिमालयनगढ़ वाली यूनिवर्सिटी ने वो नहीं करा। और जब हम उससे बात पूछते तो कहते हैं उनकी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, परंतु सरकार के एंड के ऊपर पेंडिंग है, मतलब जो भी चीज़ें। इतनी यूनिवर्सिटीज रजिस्टर हो चुकी हैं, क्या बात है कि मतलब इन्हीं का ही डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, वो भी पिछले 3-4 साल से। और जिस चीज को सरकार मोस्ट अर्जेंट कह रही है, एफ मेंशन्ड हियर, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को सरकार मोस्ट अर्जेंट बता रही है द टॉप ऑफ द लेटर। और सरकार इतनी सुस्त है, और इतनी सुस्त है तो यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, यूनिवर्सिटी एक्शन क्यों नहीं ले रही, व्हाई यूनिवर्सिटी इज क्वाइट, तो ये भी एक सवाल है। खैर, मैंने एक आरटीए लगाई है यूनिवर्सिटी को, होप फो कि शायद उसका जवाब आए, ऐसा अभी तक जवाब आया नहीं। सेकंड अपील दायर करनी पड़ेगी उत्तराखंड कमीशन के अंदर। और इसी यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो इनकी उनके ऊपर रोज ही कोई ना कोई आरटीए होती रहती है, ठीक है। और अगर हम डिटेल में चेक करें, काफ़ी सारी आरटीए हैं जिनमें इन्होंने वॉयलेशन भी किया है। अगर आप इसमें देखेंगे, एक संख्या है 37258 आपकी, नंबर है श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, इसमें यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं कंप्लीट वॉयलेशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। एक एफी का भी जवाब नहीं देते हैं, वैसे क्या हो सकता है कि मतलब यूनिवर्सिटी नहीं देती है जवाब। और ये एक और अपील है जो भी हाल ही में 6/2/2024 की है, इसी महीने की है, 4 दिन पहले का ही ऑर्डर है। इसमें हमें दिखता है, सॉरी 6/2 गलत हो गया, तीसरा महीना चल रहा, मतलब पिछले महीने का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी से किसी ने एमए के स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी थी आरटीए के थ्रू, यूनिवर्सिटी ने नहीं दी, और यूनिवर्सिटी ने बताया कि वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन इस वजह से हम नहीं दे पाएंगे। परंतु इसमें उत्तराखंड कमीशन ने, उत्तराखंड इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर दिया कि आप वो दे दें। मेरा यूनिवर्सिटी में किसी से, मौके ग्रुप से किसी से वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी नहीं देगी, परंतु हमें ये नहीं पता अब ये दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वी डोंट नो, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट डेट तक और नेक्स्ट ऑर्डर तक वेट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि जो भी अपीलार्थी है उसको अपने जो उन्होंने जानकारी मांगी वो प्राप्त हो जाए। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या कुछ ऐसी चीज़ ना हो। और साथ ही साथ हम जो भी पिछला केस देख रहे थे
जिसमें एक युवक थे, युवक हैं जिन्होंने प्रवक्ता की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने अपनी डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए लगाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा संदेह भी जाता है कि हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी ने ही डिग्री दी हो पैसों के लोभ में, और आज वो मना कर रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी ने ना दी हो, उसने घर पे बैठ के पढ़ाई हो, मतलब डिफाइन की हो, मतलब हूबहू कॉपी करके उन्होंने फर्जी डिग्री लगा दी हो। इसमें कुछ भी हो सकता है, बट इसमें मेरी ऐसे ही ऐसा मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी को इस केस पे सबूत पेश करने चाहिए कि जी हमारा उससे कोई लेना देना है। सिर्फ बोल देने से या कर देने से या जी हमारा कोई लेना देना नहीं, वो ऐसा नहीं हो जाता है। और जो वो स्टूडेंट है, उन्होंने अपने रिसेंटली कथन के अंदर कहा था, एक ऑर्डर के अंदर अभी 1 मार्च को, कि उन्होंने सत्यापन कराया था यहाँ से, ठीक है। अब देखना ये है कि उन्होंने सत्यापन क्या कराया था, और सत्यापन वैलिड होगा और वो कमीशन के अंदर फाइल होगा, तो ये देखने में मजेदार रहेगा कि यूनिवर्सिटी की गलती है वो या फिर उस स्टूडेंट की गलती है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सत्यापन के नाम पे भी आप देखेंगे तो ये सत्यापन भी खुद ही करती है। आप अगर हम देखें यहाँ पे, ये सत्यापन भी लोग खुद ही करते हैं, 2500 रुपये लेते हैं और सत्यापन कर देते हैं। अभी आप जब ये यहाँ से ऐसे चलती रहेगी, फ्लाइट चलती रहेगी, जैसे ये इंटरनेशनल ट्रांसफर कॉन्फ्रेंस आ गया, या कुछ नॉमिनेशन फॉर्म आ गया, नॉमिनेशन फॉर प्रोफेसर प्रैक्टिस, यहाँ पे एक फॉर्म आएगा वेरिफिकेशन फॉर्म। वो वेरिफिकेशन फॉर्म जनरली थर्ड पार्टी के लिए है, परंतु उसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को वेरिफिकेशन करके दे देती है। मैंने सुना है, ये कौन डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है, बट यूनिवर्सिटी ऐसा करती है, मैंने खुद देखा। और इसके लिए वो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि फॉर्म वेरीफाई करता है, एम्प्लॉयर कर सकता है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कर सकता है, ऑथराइज एजेंसी कर सकती है, एम्बेसी और हाई कमीशन जो भी है वो कर सकते हैं, परंतु ये एक स्टूडेंट भी कर लेता है। और इसके लिए वो 2500 रुपये चार्ज करते हैं। लेट्स सी अब क्या होता है।